हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जैस इन लंदन। अभी हम लोग मॉन्टीनीग्रो में हैं। जिस एरिया में हम रुके हुए हैं उसको बेसीची बोलते हैं, जो कि एक सी साइड टाउन है। बहुत अच्छा बीच है यहाँ पे, और हम लोग रुके हैं, होटल का नाम है फाल्कनस्टाइनर होटल मॉन्टीनीग्रो। और अभी हम लोग निकलने हैं स्वेती स्टीफान करके काफ़ी पॉपुलर जगह है, वहाँ जाने के लिए। मैं आपको थोड़ा होटल का व्यू दिखा देता हूँ। इस होटल में हम लोग रुके हैं, जो काफ़ी अच्छा होटल है। इसमें बीच के लिए एक्सेस दिया हुआ है, पूल के लिए दिया हुआ है, दो टाइप के पूल हैं, गार्डन पूल दिया हुआ है, रूफ पूल दिया हुआ है, टेरेस पूल, हिल व्यू भी है यहाँ से, जो कि बहुत ही सुंदर है। मतलब नेचर से घिरा हुआ ये कंट्री है मॉन्टीनीग्रो, बहुत ही सुंदर जगह है। अच्छी बात यह है कि ये अभी अपकमिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन में है, तो इसलिए यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ अभी है नहीं। बट हो सकता है कि आने वाले सालों में जब ये और डेवलप करेगा तो टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में आएंगे। अभी भी आने लगेंगे, हम लोग इतना मज़ा कर रहे हैं, इतना अच्छा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टॉप, जहाँ पे हमें जाना है वहाँ से पैदल अगर हम जाए तो हमें एक घंटा लग जाएगा, और धूप काफ़ी कड़क की हुई है। तो हम लोग का प्लान है कि हम लोग बस लेकर जाएंगे, तो शायद हमें 10 से 15 मिनट में पहुंचा दे। बहुत दूर है और सीधा रास्ता दिया नहीं है, गाड़ी से तो जा सकते हैं क्योंकि रोड बना हुआ है। अच्छा ये लगता है कि चारों बगल चारों तरफ से हिल है, हिल के बीच में ये शहर बसा हुआ है। बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे, अभी भी कुछ होटल अपार्टमेंट या फिर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बन रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट का यही प्लान है कि मॉन्टीनीग्रो को एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट के रूप में प्रेजेंट किया जाए, स्पेशली यूरोपियन, क्योंकि यूरोप में आता है मॉन्टीनीग्रो। आगे में आपको एड्रियाटिक सी दिख सकता है, वहीं पे बीच भी है। हॉट, गर्मी तो इतनी लग रही है ना, फील हो रही है एकदम इंडिया वाला फील हो रहा है। मेरे तो थोड़े देर में पता है, मेरा तो एकदम गर्मी से हालत खराब होने वाला है। नहीं, गर्मी है, गर्मी मतलब है, आते के साथ फील हो रहा है, क्योंकि यूके में बिल्कुल भी गर्मी नहीं है वहाँ। अभी इस मंथ में भी वहाँ पे इतनी ठंडी है, जैकेट पहन के निकलना पड़ता, और अचानक से दिल्ली हम लोग को गर्मी मिल रही है। अभी मैं देखता हूँ कि बस स्टॉप है क्या, पूछना पड़ेगा क्या होगा। अभी हम लोग बस स्टॉप पे खड़े हैं, एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि बस स्टॉप है, बट हम लोगों ने काफ़ी लोगों से पूछा, बोला कि यही बस स्टॉप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस का साइन दिया हुआ है, देखते हैं बस कब आती है। बस आ जाए जल्दी से, वरना धूप में, इस चिलचिलाती धूप में खड़ी होने के बाद पैराग्लाइडिंग क्लब है और काफ़ी फेमस है यहाँ पे पैराग्लाइडिंग। हाँ। लोग एडवेंचर स्पोर्ट के लिए भी लोग मॉन्टीनीग्रो आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कायाकिंग, अगर आपको वाटर स्पोर्ट पसंद है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जेट स्की, कायाकिंग। ऊपर में माउंटेन के ऊपर से पैराग्लाइडिंग शुरू हो गया।
तो हम लोग को बस तो नहीं मिला, तो हम लोग को टैक्सी लेकर यहाँ पे आना पड़ा। काफ़ी अच्छा जगह है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में व्यू दिखाने वाला हूँ। हालत लेकिन हम लोग का बहुत ख़राब हुआ था क्योंकि बस को वेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और मौसम यहाँ पे बहुत मतलब इंडिया जैसा किया हुआ है, एकदम गर्मी की हुई है। और अगर आप यूके में रहते हैं और यूके से आ रहे हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि अगर आप यूज़ टू नहीं हैं, हम लोग तो इंडियन हैं बट हम लोग यूके में इतने टाइम से रह रहे हैं इसलिए हमको भी थोड़ा मौसम का अभी फील होता है कि गर्मी क्या होती है। सो ये है स्वेती स्टीफन, इसको बोलते हैं, एक तरह से आइलैंड है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर विलास और रिसॉर्ट्स बना हुआ है और इसको लैंड से इन्होंने कनेक्ट किया है एक ब्रिज के थ्रू। ब्रिज जो है आर्टिफिशियल है, बाद में बना था, बट ये आइलैंड पहले से है। जैसा आप देख सकते हैं एड्रियाटिक सी है ये, और सी के एकदम दूर में उस पार में इटली का कोस्ट लाइन है जो आपको नेकेड आई से बिल्कुल नहीं दिखने वाला है। सो एक साइड पे ये आइलैंड है और फिर दूसरे साइड पे आपका पहाड़ है, हिल है पूरे। और यहाँ पे सुंदर सा इन्होंने रोड बनाया हुआ है, रोड्स यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लगता है कि नया काफ़ी रिसेंटली बना है और काफ़ी अच्छा रोड है। वहाँ पे ऊपर में एक हिल पॉइंट है जहाँ पे लोग जाके स्वेती स्टीफन का फोटो लेते हैं। स्वेती स्टीफन काफ़ी ही खूबसूरत जगह है। मतलब पूरे टापू को इन लोगों ने घर से रिसॉर्ट से जो भी आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे रिसॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, कुछ रेजिडेंशियल जगह भी होंगे बट ये पूरा टापू इन्होंने भरा हुआ है। और टापू आप देखेंगे तो पूरा पत्थर का है। ये जो टापू के जो घर के नीचे आपको दिखेगा पूरा स्टोन है, रॉक है, ये रॉक फॉर्मेशन है और इसी पे इन्होंने ये खूबसूरत से घर और बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं। दूर में जो आपको शहर दिख रहा है, हम लोग का होटल उसी साइड में है, बीसीजी उस जगह का नाम है। और उसके भी आगे एक और शहर है, उसको बुधवा बोलते हैं। और हम लोग का प्लान है कि हम बुधवा को भी एक्सप्लोर करेंगे बट देखते हैं कि हम लोग को टाइम कितना मिलता है क्योंकि पीसफुल जगह है। मतलब माउंटेन पानी से जो घिरा हुआ शहर है, और मॉन्टीनिग्रो में अगर आपको आना है टूरिस्ट घूमने के लिए तो टूरिस्ट सीजन यहाँ पे जनरली जून से सितंबर अगस्त तक कहा जाता है क्योंकि उस टाइम में समर होता है और मौसम काफ़ी अच्छा होता है, धूप निकली हुई होती है।